6 जून को करें पीले और काले धागे का एक ऐसा चमत्कारी उपाय जो जीवन से सभी तरह की दिक्कतें या आपके पति देव या फिर आपके जीवन साथी पे चल रही हैं परेशानियां, तो पीले धागे से उपाय। और शनि जयंती यानी कि शनि प्रकटोत्सव भी इस दिन है, तो काले धागे से उपाय। आपके जीवन साथी पर रहती है आयु की समस्या, उसके जीवन में है भारी संकट परेशानियां, उसका जीवन संघर्ष में रहता है, कुछ ना कुछ आए दिन परेशानियां बनी रहती हैं, तो पीले रंग के धागे से उपाय होगा। आपको रहती है नजर दोष तंत्र बाधा या किसी तरह से आपको शनि की पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो होगा काले धागे से उपाय। पर यह होगा कैसे, किस तरह से, क्या करना है, क्या सभी जानकारियां आज मैं आपको देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से धर्म ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो 6 तारीख यानी कि ज्येष्ठ अमावस्या, इस दिन है वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत जो माताएं बहने हैं बहुत बखूबी से जानती हैं कि वट सावित्री व्रत होता क्या है। इस दिन अपने पति देव के प्राणों की रक्षा या फिर उसके जीवन में एक दीर्घ आयु प्रदान करने के लिए ये व्रत रखा जाता है। वट यानी कि जिस पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है, और यही प्रार्थना माता बहनें अपने सुहाग के लिए करती हैं कि उनके पतिदेव का जीवन भी वट वृक्ष की तरह ही लंबा रहे, उनके जीवन से हर तरह की परेशानियां दूर हों। जिसके लिए पीला धागा, एक पीला धागा आपने देखा होगा वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ पर लपेटा जाता है और वहां पर पूजा अर्चना की जाती है। अब यही पीले धागे से आपको एक काम करना है, वट वृक्ष पर जो धागा लपेटोगे, लपेटने के साथ साथ एक धागे की माला वट वृक्ष पर चढ़ाई जाती है, यानी कि धागे को इस तरह से गूंथ कर गले में पहनने के लिए आप उस वही साइज की 2 धागे तैयार कर लीजिए। एक तो आप वट वृक्ष पर चढ़ा देंगे और दूसरा अपनी प्रार्थना बोलकर घर ले आएंगे और यही धागा आप अपने पति देव के गले में डालेंगे। और ये धागा समझ लीजिए उनके जीवन में एक तरह से एक मार्ग परिवर्तन का काम करेगा। मार्ग परिवर्तन यानी कि वो अगर कठिन राह पे चल रहे हैं, उनके जीवन पे हमेशा दिक्कतें परेशानियां या किसी प्रकार की आयु के संकट हैं, उनके जीवन पे कहीं ना कहीं बीमारियों का प्रकोप है, उनका जो मार्ग है बहुत ही मुश्किल है, उस मार्ग से परिवर्तन उनका मार्ग होगा और सरल मार्ग पर आएंगे, उनके जीवन की परेशानियाँ दूर होंगी। ये ताकत होती है एक पीले धागे में। आपको इस तरह से पीला धागा ले लेना है। अब ये धागा देखिए, घर में सिलाई करने वाला धागा होता है, आप ये भी धागा ले सकते हैं। और जो वट वृक्ष पे लगाया जाता है वो हल्दी से पीला करके सफ़ेद धागा, वो सूती धागा होता है, वो आप पूजन के लिए अलग ले सकते हैं। इस तरह से आप एक धागे की रील ले लीजिए, 5-6 रुपये की रील मिल जाती है। ये आपने वहाँ से पूजा करके जब आप आओगे, अगर मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो इसकी एक जानकारी आप वीडियोस देख के ले लीजिए। YouTube पर अनेकों वीडियोस आपको मिल जाएंगे किस तरह से पूजन विधि होती है, किस तरह से ये व्रत रखा जाता है, क्या इस व्रत की महिमा है, बहुत सी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। पर इतना बता दूं, ये मौका आप जाने ना दीजिए। आप किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में इस तरीके को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, ये धागे के उपाय से। इस धागे के उपाय से उनके जीवन में अनेकों परेशानियां, दुख दरिद्रताएं सब दूर होंगी। क्योंकि अगर उनकी सेहत पर कोई तकलीफें आ रही हैं, कोई बीमारियां या फिर उनके जीवन में झंझट हमेशा बने रहते हैं, तो इस तरह से पीले धागे को 7 बार आप इस तरह से बट लीजिए। बटने के बाद इसमें चाहे तो आप किसी प्रकार का लॉकेट इत्यादि डाल सकते हैं ताकि ये धागा बाहर ना निकले, क्योंकि शर्ट वगैरह पहनते हुए कई बार धागा बाहर निकल आता है, तो अगर आप इसमें लॉकेट वगैरह डाल दोगे तो ये अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह से ये धागा प्रार्थना किया हुआ आपने वहीं से बट लेना है। बट कर देखिए, पहले ही लेकर जाइए, क्योंकि पूजन की जो थाली लेकर जाओगे उसमें आपके 2 धागे के, ये यानी कि एक सेट धागे का जरूर होना चाहिए। एक सेट, एक धागा जो है आप बरगद वृक्ष पे चढ़ाएंगे पूजा इत्यादि करके, और वहीं पर ही प्रार्थना करके दूसरा धागा जो है आप घर ले आएंगे। फिर आप अपने हस्बैंड को कभी भी किसी भी समय इसको गले में डाल सकते हैं। अब ये हो गया पीले धागे का उपाय, अब हम बात करते हैं काले धागे के उपाय। काले धागे का उपाय इस दिन आपको समझो हर तरह से परेशानियों से मुक्त करेगा। अब ये उपाय कब होगा, ये उपाय होगा शाम के समय। शाम के समय ये उपाय होगा संध्या काल। संध्या काल यानी कि सूर्य जब डूब रहा होता है उस समय, उस समय आपको एक सरसों तेल का दीपक घर से ही तैयार कर लेना है।
अब ये दीपक आप दो ले जाइए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मंदिर में अक्सर आपको वटवृक्ष और पीपल वृक्ष दोनों मिल जाते हैं। एक तो आप पीपल के नीचे लगा दीजिए दीपक, और दूसरा दीपक आप वटवृक्ष के नीचे लगाएंगे। वटवृक्ष के नीचे आपने जब दीपक लगाया तो इस तरह से काला धागा वहीं पर ही बैठकर आप इसको बट लीजिए। 7 बार इसकी 7 लेयर्स ऑफ धागे की आप बना लीजिए, और इस धागे में 6 गांठ लगा दीजिए। 6 गांठें एक एक करके ऐसे 6 गांठें लगा लीजिए। अब ये धागा आपका हर तरह से नज़र, सुरक्षा, तंत्र, बाधा, जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ आए दिन आपको नज़र, टोक इत्यादि लगती रहती है, तो ये नज़र दोष का धागा आपका तैयार हो जाएगा। इस धागे में अब जो 7वीं गांठ लगेगी वो आपके पैर के टखने में लगेगी। अगर आप इसको पैर के टखने में बांधेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप अब इसे कलाई में भी बांध सकते हैं। इस तरह से ये काले धागे का उपयोग होगा। अब ये काला धागा आप अपने घर के कई मेंबरों के लिए बना सकते हैं, चाहे तो आप बच्चे के लिए बना लीजिए, अपने और भी जो लोग हैं उन सब के लिए बना सकते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि इस दिन आप कुछ एक ही पर्सन के लिए बना सकते हैं, आप सबके लिए बना सकते हैं। और इस तरह से 6 गांठों के बाद जो फाइनल गांठ होगी वो 7वीं गांठ होगी। आप चाहे तो 5 गांठें लगा सकते हो 5 गांठों के बाद, पर 2 गांठें आपको फाइनल में देनी पड़ेंगी। इससे क्या होगा, गांठ और मजबूत हो जाएगी, खुलेगा नहीं। पहली बात तो ये रील का धागा होता है, ये खुलता नहीं है इजीली, और एक गांठ भी सफिशेंट हो जाती है क्योंकि ये इतनी जल्दी फिसलती नहीं है, इसकी गांठ और मजबूत रहता है। इसीलिए ये रील का धागा काफ़ी उपयोग में आपके आ सकता है। इस तरह से ये रील ले लीजिए और कर लीजिए, क्योंकि ये दिन बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिन है, इम्पॉर्टेंट दिन है। क्यों? क्योंकि इस दिन है शनि जयंती, जिसे हम कहते हैं शनि प्रकटोत्सव। अब ये दिन आपको शनि महाराज की कृपा दिलाने वाला है। अगर शनि महाराज के जीवन में कृपा आ गई ना, तो सभी दुख दरिद्रताएं और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसी दिन आपको ये धागा तैयार कर लेना है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा भी तैयार कर सकते हो, पर घर में सुरक्षित जगह पे इसको रख देना। बाकी इसी तरह की और महत्वपूर्ण जानकारियां लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी जानकारियां जो छोटे छोटे उपायों से जुड़ी हुई हैं, पर उनके असर बहुत ज़बरदस्त आते हैं, पर सही समय पर अगर किए जाएँ तो उनका असर समझ लीजिए अनंत गुना हो जाता है। उनका फल आपके जीवन में कई गुना बढ़कर आपको मिलता है। आप बेमौसम जैसे कोई फल को नहीं प्रकट कर सकते, इसी तरीके से आपके कर्मों का फल आपको किसी मौसम या बिल्कुल किसी मुहूर्त में ही मिलता है। तो ये जो दिन है, इस दिन आपको सभी आपके इस तरह से काम किए गयों का फल अनंत गुना आपको प्राप्त होगा, और बिल्कुल सही तरीके से प्राप्त होगा। कर लीजिए, आपके जीवन सुधरने में देर न लगेगी। बाकी और ऐसी ही जानकारियों को लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।